असलम गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो गाइज जैसे कि ट्रेलर में आपने देख लिया हमारे साथ फालन स्टार भाई भी है और अकील गेमिंग भाई भी है तो भाई और दूसरा न्यू अपडेट भी पबजी का आ चुका है जो कि बहुत ही आउट क्लास है बहुत ही हैवी है तो आपको आज की वीडियो में इस सारे मैं अपडेट के बारे में बताऊंगा कि अपडेट में क्या क्या चीज़ आई है और गेम प्ले की चस्प भी करवाऊंगा तो आप लोगों ने वीडियो को कर देना है लाइक और अगर चैनल पर नहीं हुआ लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो गाइज सीन ये है कि यार ये पबजी का इवेंट है ठीक है पबजी में जो है इसमें आपको मिलता है ऑटो रिकॉल और इसके बाद पबजी में दो गन्स न्यू आई है एक क्रॉसबो चेंज हुई है और एक न्यू गन आई है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके बाद जैसे कि हमारे पास पिछले इवेंट में हमारे पास फुटबॉल जैसा मतलब एक कार सम, समझ के हमारे पास फुटबॉल होता था तो यहाँ पर एक अलग लेवल का चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड जाने वाली है मतलब उसका स्पीड सेम वैसा है जैसे कि गाड़ी का स्पीड होता है तो आप लोगों ने पूरी वीडियो एंड तक देखनी एक एक चीज़ आप, आपको मैं तफसील से बताऊँगा गेम प्ले भी होगी लॉबी आपके सामने है गेम प्ले भी होगी और अच्छा आएगी एंड तक अब यार जो कुछ इवेंट पहले हमारे पास एक और इवेंट आया था हेलोविन के नाम से तो उसमें ऐसा सीन होता था ये भी सेम वैसी जगह है वहाँ पर आपको यहाँ पर कार्ड लेना पड़ता था लेकिन यहाँ पर आपको ऑटो रिकॉल मिलता है मतलब आप जैसी लैंड करते हो आपको रिकॉर्ड मिल जाता है और इसका कोई मेन बड़ा सा कोई इवेंट नहीं है बस यही कुछ चार से पांच छोटी सी जगह है जो कि आपको मैं मैप में दिखा दूंगा कि किस किस लोकेशन पर ये जगह है तो वो वाला इवेंट हमने क्लियर कर लिया था तो हमने कहा भाई आगे जाके बंदे ढूँढे तो यहाँ पर बंदे थे और अकेल गेमिंग भाई हमसे आगे थे तो इन्होंने तीन नौ किए थे तो मैंने कहा इनका, इनका भाई क्लच खराब नहीं कर रहे इनको फाइट लेने दो भाई मैंने इधर ही उसका पूरा वेट किया मैंने कहा भाई का जो है क्लच है मैं तसल्ली से इधर रुका मैंने इंतजार किया कि अगर तो ये नॉक होते तो उसके बाद मैं नॉक करूँगा गाइज एंड तक देख रहे हैं बहुत ही पैनिक सीन होंगे लास्ट में सब मर जाएंगे आपका भाई अकेला रह जाएगा मतलब उसके बाद फिर एक टू वी थ्री वाला सीन है मतलब सारा सीन है गाइज एंड तक आप लोगों ने देखना है काइंडली यार ये वीडियो होती है हम इतनी मेहनत करके वीडियो अपलोड करते और आप लोग देखते नहीं हो एंड तक यार एग्रेसिव खेलते हैं ना यू नो वाट आई एम ट्राइंग टू से भाई हम भी एग्रेसिव खेलते हैं आपके सामने यार अरबी लो भी है वो भी टॉप रैंकिंग में फुल एग्रेसिव आपको दिखाएंगे एंड तक मतलब ही रुकने वाला सीन ही अंदा घुसते और एंड में मैं अपने टीम को जो मोलटो करता वो भी देखना है यार तो ये लास्ट बंदा था ये मतलब मैंने मार लिया जंप करके मैंने कहा शायद दूसरी टीम का था तो उसको मैं मार लेता हूँ या पर बोट का भी जो है मैं खाना ख़राब करी तो बोट नजर आता है तो यहाँ पर आपके बाइक के हो गए चेक खिल और एक और बंदा यहाँ पर आएगा उस पर मैं रिफ्लेक्स मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन खैर उसका मैं खिल सिक्योर करूंगा उसके बाद फिर हम आगे की फ़ाइट में जाएंगे जब हमारी जो पुचिकी वाली फ़ाइट होगी जिसका नाम हमने प्लेन पाथ पे देख लिया था मैथिक फैशन था तो पुचंकी में उस साथ हमारी फ़ाइट होने वाली उसके साथ मेरी वन वी वन होगी फुल टेन एच पी पर तो रिकॉल तो हमारा था और हमने खिल जब भी हमें चाहिए थी तो हम डायरेक्ट गए ना पुचंकी तो इधर की फाइट खुद देखो अब इस दो बंदों को मैंने मार लिया था इनका तीसरा बंदा था नहीं तो मुझे मैं इसको नॉक फिनिश कर देता हूँ और इतने में फाइनेंस भाई नॉक हो जाते हैं पाकिस्तानी था कोई अरबी लॉबी में तो यार इसने डायरेक्ट नॉक के साथ फिनिश दिया इसको भी मैंने नॉक कर लिया खैर अब ये भी एक बंदा था इसको भी हम फिनिश कर लेंगे इसके बाद जो पहले मैंने दो बंदे मारे उसका एक और टीम जो कि उतरता है वापस अपनी लोकेशन पर तो इधर हम इधर अच्छा सीन ये था कि दूर वाला जैसे ही मैंने मारा ना तो मुझे कोई स्क्वाड हाउस से मार रहा था ना मतलब ये काफ़ी दूर था और लेटा हुआ था ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था तो मैंने कहा भाई रुक बेटा तो तो मुझे नजर आएगा तेरा किल तो मैं सिक्योर करूँगा तो दोनों का ये मैं इधर किल उठा लेता तो ये शायद भी इसका ही लास्ट बंदा था तो इसका मैं किल सिक्योर कर लूँगा और आगे भी चिंकी में बंदे थे तो वो उनको अकेल भी मार लेते अब यार यहाँ पर सारा सीन क्लियर हो गया हमने सोचा मतलब कि

अब यहाँ पर यार एक किल मेरा एनिमी जो है चोरी करके ले गया और ये वाली जो नीचे वाली टीम थी ये डेड हो गई अब ऊपर जो बंदे थे ना जिन्होंने मेरा किल भी चोरी किया तो उसको मैंने वन एच पी छोड़ा था उसने नॉक के साथ फिनिश कर दिया खैर तो सबसे पहले ऊपर बंदे थे ऐप पर मेरी बगी फिसल गई तो मैंने कहा यार यहाँ तो मैं गया लेकिन खैर बचत तो होगी मेरी लोकेशन स्पॉट नहीं थी तो बंदा स्पॉट हो गया था किल भाई ने वहाँ से दूर से एक नॉक किया तो उसके बाद में करीब जाता हूँ और उसके साथ में ये बंदा था इस पर मेरा रिलोड आ गया स्टार्टिंग में बाद में दूसरे स्प्रे से ना मैं इसको नॉक कर लेता हूँ तो जैसे मैंने नॉक किया इधर मेरा यार आप देख सकते हो मेरा टीममेट भी नॉक है तो क्या करना चाहिए पहले टीममेट मेट उठाना चाहिए सबको पता है यार रैंक में मस्ती मजाक नहीं है तो भाई मैंने कहा यार अपने किल्स मैंने सिक्योर करने तो मैं सबसे पहले गया अपना किल सिक्योर पर किल सिक्योर करने के चला गया अब ये मुझे नहीं था पता ये मेरा ही किल था या किल भी किल था खैर मैंने सिक्योर कर लिया और मेरा भी किल सिक्योर हो जाता है तो उसके बाद मैंने कहा यार टीमेट के पास चला जाए टीम मेट बेचारा रहा था कि यार मुझे रिवाइव करो तो मैंने कहा भाई तू तो इस तरह रिवाइव नहीं लेगा तो मैंने इसको सबसे पहले लॉबी पहुंचा दिया तो इस उसको नॉक के साथ मैंने फिनिश कर दिया उसके बाद ये जो न्यू कार है यार ये मतलब जो मिलती है आपको बैग में और उसके साथ जो है एक ये चीज़ें और एक है पिछला जो मिलता था स्पाइडर मैन का जो क्या होता था पैराशूट तो वो दो चीज़ें आई है जो कि सबसे ज़बरदस्त है ये काफ़ी स्पीड है एक तो आपको मतलब फुटबॉल तो पाँच से दस एम में वो टूट जाता था ये 40 एम में ये मतलब ब्लास्ट होता है गाड़ी की तरह 40 एम में ब्लास्ट होता है और इसकी काफ़ी स्पीड और हाई जंप्स इसके हैं बहुत ही चस वाला सीन है तो खैर और स्पाइडरमैन वाले के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों ने बस देखना है क्या क्या सीन होता है अब यार आपके सामने हम तीन बंदे अलाए हुए अखिल भाई अलग खेल रहे हैं हम अलग खेल रहे हैं यहाँ पर मुझे गाड़ी के पीछे बंदा दिखा वो नॉक था तो मैंने कहा भाई ये वाला अकेल तो मैंने हर हाल में सिक्योर करना है तो पहले मैं गाड़ी पर मैं फायर करता हूँ गाड़ी को मैं ब्लास्ट करने की कोशिश तो, तो गाड़ी पर जैसे मैंने ब्लास्ट कर, कर मतलब ब्लास्ट करने की कोशिश करता तो करते क्या हो गया भाई मेरी उर्दू दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है तो खैर ऐसा किल मैं सिक्योर कर लूँगा अब यार इधर ये वाला किल भी अब की बाइक का चोरी हो गया देखो भाई इसको कितनी पड़ी है आपके सामने मतलब काफ़ी लेट स्टार्टिंग में भी एक दो बुलेट्स टच हुई थी इसको एनीमी मार लेता है या मेरे ख्याल से फॉल स्टार भी मार लेता है तो अब मुझे ये लगा कि ये वाला सीन क्लियर है लेकिन आगे फॉल स्टार भी आगे थे तो उस पर भी बंदे थे तो एक बंदा जैसे ही वो नॉक कर लेता है तो अब यार मुझे ये लग रहा था कि मेरे जो दो तो टीममेट से वो इसी एंगल पे ऊपर लड़ रहे हैं क्योंकि नंबर टू भी मतलब वो ऑरेंज टाइप का है और यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो है एनिमी था वो भी इनको मार रहा था तो काफी समझ नहीं आ रहा था देखो ये मेरे से फुल ओपन में चला गया अब ये एक बंदा था उसके बाद एक और बंदा आ, अकील के साथ था अकेल भाई उधर फंस चुके थे बहुत गंदा फंस चुके थे उन्होंने मुझे कॉल दी कि भाई मुझे यहाँ पर जल्दी से बचाओ मेरा सारा सीन खराब हो जाएगा इतने अच्छे किल्स निकाले हैं और सैड एंडिंग जाएगी जैसे कि हर किसी की सैड एंडिंग जाती है जैसे कि हमारे हंस सी भाई है उसकी सैड एंडिंग चली जाती है तो बेचारा फंसा हुआ था यहाँ पर मैं जा भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी नहीं आपके सामने और यार दूसरा देखो मेरे पास बिल्कुल एमओ वाला सीन भी ख़त्म हो चुका था मेरे पास कुछ ही एमओ थे थर्टी वन एमओ मेरे पास यूएमपी में थी और यहाँ पर कुछ एमओ मेरे पास एम में है अब यार यहाँ पर सीन ये होने वाला है तो मैं तो दूर से बचा नहीं सकता था ना तो मैंने कहा भाई मैं डायरेक्ट इसमें रोजोक में घुसूँ अब रोजोक में आपको मैं बताऊँगा बंदा किधर है और वो कितना डीट बंदा होता है वो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा होता है मैं इसके लिए फुल ओपन में आ जाता हूँ ये देखो देखो यार यहाँ पर मैंने इसको स्प्रे दिया मेरी बाईस या सिर्फ रह गई थी तो मैंने कहा भाई अब क्लोज ही जाता हूँ उस पर तो मैं फुल ओपन में इसको ओपन करके इसका मैं वेट करता हूँ कि यार ये ज़रा जो है बाहर निकले और इसको मैं मारने की मतलब ट्राई कर रहा था मैंने कहा ये जाए लेकिन यार ये तो काफी चलाक था यहाँ पर आपके सामने मेरी बैटरी भी दस परसेंट गई थी तो अब इसकी लोकेशन मुझे थी। ये इसी कोने पे ही था तो मैंने कहा अब इसका वेट करते हैं भाई जैसे निकलेगा तो मैं इसको मारूँगा लेकिन यार ये तो इतना ढीर था ये निकलने का नाम नहीं ले रहा था खैर इससे मैं मेरी एम भी थी नहीं तो मैं जल्दी से कुछ जगह लूट लेता तो हूँ उसमें भी मुझे मुझे एम मिलती नहीं है उसके बाद मैं इस पर पुष मारूंगा उसको मैं बैग से मारूँगा यार उधर स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी तंग उधर मैंने इसको इतना इजी मार लिया था और यार देखो भाई सर्कल भी कट चुका है और 10-12 सेकंड से तो उसके बाद ये देखो ये सबसे मेरी फेवरेट चीज़ थी जो कि पिछले जो मतलब पुराने सीजन में थी जिसमें हम रैंक पुश करते थे सबसे फेवरेट मेरी जो है ये पैराशूट पैराशूट कहते इसको क्या कह सकते हो आप मैं तो इसको जो है मकड़ी का जाला कहता था, था कि भाई मकड़ी का जाला किधर है इसकी अपनी एक लोकेशन होती थी वहाँ पर हमें डब्बे में मिलती थी लेकिन ये जो है आपको इवेंट में ही मिलेगी और यार इस इवेंट में बहुत ज़्यादा कोइंस मिलते हैं मेरे पास अराउंड 400 हंड्रेड मुझे मिले थे उसका भी मैंने एसेस लिया था तो अब यहाँ पर मुझे डायरेक्ट सर्कल में जाना था और सर्कल में एक बंदा था इससे मेरी वन वी वन की फाइट होगी आपके बाइक को ऐसी कोई ग्रेनेडियर नहीं बोलते तो मेरी जान के टोटो ये वाला ग्रेनेड मिस नहीं करना है और उसके बाद जब ये मतलब गेम खत्म होगी उसके बाद की जो फाइट्स है वो भी आप लोगों ने देखनी है सबसे पहले ये वाला नेड चेक करना है मेरा इस बाइक के साथ हैवी नेड है और ये फॉलिंग स्टार भाई और अकील भाई का जो है रिएक्शन भी आप लोगों ने देखना है मेरा Push. <laughs> Grenadier or what? <laughs> We're the best. Happen, sure. Victory <laughs> belongs to us. तो गैस देख लो आपके भाई का रैंक भी चेक कर लो यार अब टॉप मतलब अब मेरी रैंकिंग टॉप 150 है हालांकि मैं इतना आजकल गेम नहीं खेल रहा क्योंकि गेम कम किया हुआ है तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं करनी होती गेम की वजह से फिर भी आपका भाई मतलब आपके सामने है भाई कोई नॉर्मल लो खेलते नहीं है भाई रैंकिंग लो खेलते हैं तो खैर वो वाला सीन तो आ, क्लियर हो गया अब यहाँ पर यार आप लोगों ने क्रॉसबो जो नहीं हुआ ये क्रॉसबो का कमाल चेक करना है अकील भाई कैसे क्रॉसबो चलाते हैं शायद उन्होंने वीडियो भी अपलोड की होगी तो आप लोग उनका चैनल में लाजमी उनकी वीडियो चेक करना तो यार दो बंदे थे बैक से हमें मार रहे थे तो देखो यार ये जो गाड़ी की हेल्थ है ना मतलब बहुत ज़्यादा हमें डैमेज दिया फिर भी हम गाड़ी ब्लास्ट होगी फिर भी कुछ हम आगे गए कवर में रुके उसके बाद ये जो दूसरा चीज़ है जो हाथ नज़र आ रहा है ये एक किसम की ना हीलिंग से जो ट्वेंटी परसेंट आपको हेल्थ भी देती है और उसके साथ बूस्ट भी देती है तो दो बंदे यहां पर सामने थे ठीक है अब यार इस बंदे पे मैंने एम रखा था ना मुझे दूसरे एंगल से पड़ी थी तो मैं जैसी हल्द लगाता हूँ ना मुझे ये नज़र आता है और इसको जब मुझे लोकेशन पढ़ती थी तो इसको मैं हेड शॉर्ट देता हूँ यार एम टू फोर देखो ओम है नहीं कि भाई पहले ही झटके में यह नॉक हो जाए तो दूसरा झटका ज़बरदस्ती जो है मतलब लाजमी मारना पड़ता है उसके बाद हमारे अकील भाई क्रॉसबो पर क्रॉसबो चला रहे थे अब ये जो न्यू क्रॉसबो है ये तो मैंने चला ही नहीं क्योंकि मैंने उठा ही नहीं और ना मुझे चलाना आता है न्यू क्रॉसबो का ये सीन है ये जैसे चाहते जैसे कि बम ब्लास्ट होते हैं ना तो ऐसे ये ब्लास्ट होता है मतलब काफी जबरदस्त है ये अगर आप किसी बंदे को लिट कर दो ना वो कवर में चला जाए और उसके बाद अगर आप उस पर क्रॉसबो यूज करो तो वो बंदा नॉक हो जाएगा तो यहां पर इस दो बंदों को हमने नॉक कर दिया था मतलब एक मैंने नॉक किया एक अकील भाई ने नॉक किया अब यार लास्ट बंदा था मुझे इसकी लोकेशन स्पॉट हो गई थी तो यार पता नहीं यार ये एम टू फोर को क्या हो गया मतलब फिर भी यार लेवल थ्री तो थोड़ा सा अगर डैमेज हो तो मार लेते पर ये बिल्कुल मरा नहीं तो मुझे जैसी स्पॉट हुआ मैंने उसको हार्ट शॉर्ट दिया यहां पर देखो कवर में चला गया ना आपके सामने तो यहां पर मैं जैसी हेल्थ लगाता हूं ना भाई ने भाई तीर का मतलब तीर का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करके इसको भी मार दिया तो इस तरह यह वाली फाइट थी ये भी चस्प वाली थी मेरे नजर में तो आप लोगों को भी मैंने कहा आप लोग साथ में शेयर अच्छा तो गाइस सबसे पहले बंदे का नाम देख लो अब यहाँ पर मैं आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो न्यू इवेंट में चीज आया अच्छा न्यू इवेंट में ऐसा सीन है पाकिस्तानी लोग में भाई देखो अगर आप किसी बंदे को मारो तो वो रिवेंज लेने के लिए तैयार होता है कि भाई मैं रिवेंज किंग बनना चाहता हूँ तो पबजी वालों ने उसके लिए आसानी कर दी है अगर तो आप किसी बंदे को नॉक कर लेते हो और उसको फिनिश कर लेते हो तो वो आपको मतलब रिवेंज के लिए अगर उस पर उसको स्क्रीन पे आ रहा होगा कि भाई आपने जिस बंदे ने आपको मारा है आप इसे रिवेंज लेना चाहते हो तो अगर आप उस पर ओके करो ना तो फिर आपको एनिमी की लोकेशन पूरी मिल जाती है फिर वो आपको बताता है प पबजी वाले मतलब मैप में शोर होता है कि आपके एनिमीज़ इस वाली जगह पर मतलब किसी भी जगह अगर हॉस्पिटल में हो किसी भी लोकेशन पर हो ना जैसे कि रेड जोन का गोल्ड सर्कल होता है ना उस तरह उसी एनिमी पर गोल्ड सर्कल बना हुआ आता है कि भाई इस जगह पर ये बंदा है तो अगर आपको कोई एनिमी मार देना तो आपको भी यही ऑप्शन आएगा कि भाई आपने इससे रिवेंज लेना है तो आप अगर आप ओके करते हो ना तो आपको एनिमी की लोकेशन प्रॉपर स्पॉट हो जाती है किस लोकेशन पर आपका एनिमी है जिससे आप इजीली आप वापस उड़ के भी मैं सब उसी के पास जा सकते हो या बाद में भी आप मतलब दो सर्कल आई थिंक सो के टाइम इसका होता है आप रिवेंज ले सकते हो तो ये जो प्लेन पाथ पे बंदा था ना तो अब देखो यार यहाँ पर मेरे पास भी गन नहीं थी तो मैं इधर से रुका था मैंने कहा कोई नॉक वोक को हो या पर मैं जैसी गन उठाता हूँ भाई भाई गन उठा रहे थे और नॉक हो जाते तो इससे पहले मैं इनसे जल्दी से गन ले तो कि भाई गन दो उसके बाद मैं आपको रिवाइव करता हूँ अगर किसी ने पुश किया तो मैं उसको ले लूँगा क्योंकि यार इसी इवेंट पे थोड़ी सी लूट का जो है ना मतलब मुझे लग रहा है भाई कमी महसूस हो रही खास लूट मिलती नहीं है जिस तरह के वो पिछले इवेंट्स में लूट मिलती थी इतनी ख़ास लूट मिलती नहीं है तो ये बंदा था देखो इसके पास गन थी नहीं इसको मैंने नॉक के साथ मैं पर फिनिश करूँ तो लाजिम बात है इस बंदे को गुस्सा आ गया होगा अब यार ये जो बेचता है ना मतलब इसके बाकी टीमेट्स को अकेल भाई मार लेते हैं ये अब रिवेंज वाला सीन जो है अकील भाई को भेजेगा जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा Bunu içeri alayım तो आप लोगों ने भी पढ़ लिया यार कि क्या सीन है तो वो एनिमीज़ पूरा स्क्वाड के साथ हमारे पास वापस पहुंच चुकी थी उनको मेरी लोकेशन का हम सबकी लोकेशन का पूरा पता था तो पहला जो बंदा होता है ना उसको अकेल मार लेता है और दूसरा बंदा देखो भाई आपका भाई प्रो ग्रेनेडियर ग्रेनेड करता है उसको मैं नॉक कर लेता हूँ नॉक के साथ मैं उसको डायरेक्ट लोभी पहुँचाऊँगा इसका दूसरा जो टीम है ना वो नशे ही था वो पता नहीं नशे धर आके अभी मुझे भी मार रहा था और लूट भी कर रहा था और लास्ट बंदा मुझे दूर से स्पॉट हुआ था तो अभी इसको मैंने बस देखना था कि कैसे ही आएगा तो जैसे ये ओपन में आता है एम M7 सेवन M762 सेवन सिक्स टू के स्प्रे से ये मर जाता है और आपके बाइक वन वि थ्री स्टीपर कंप्लीट हो जाता है तो आज की वीडियो यही तक थी अगर तो वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब लाजवी करना है तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में